आज हम बनाएंगे मेथी पराठा। मेथी के अनगिनत फायदे हैं, हमें मेथी की भाजी को हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मेथी के पराठे अचार, दही की चटनी या हरी चटनी के साथ लाजवाब लगते हैं। आपको मेथी के पराठे की इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले मेथी के पत्तों को फाइनली चॉप करूंगी। इनको मैंने अच्छी तरह धोकर रखा है। चॉप करने के बाद उन्हें तुरंत इस्तेमाल करना है, वरना मेथी के पत्तों की कड़वाहट बढ़ जाती है। एक परात में मैं लूंगी गेहूं का आटा, मैदा, बेसन का आटा और इनको हम मिक्स करेंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर अजवाइन, हल्दी, हींग। अब डालेंगे पिसी हुई शक्कर, इससे मेथी की कड़वाहट न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब डालेंगे हम इसमें तिल, इससे मेथी के पराठे में बेहतरीन नटी फ्लेवर आ जाता है। अब डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अब इसमें मैं डालूंगी तेल, इसको मौन कहा जाता है, इससे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें मेथी के पत्ते और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट सा डो बना लेंगे। इस डो पर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल और इस डो को ढककर रेस्ट करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये मेथी पराठा का डो काफ़ी नरम हो गया है, क्योंकि मेथी के पत्तों का मॉइस्चर छूटा है। और इस आटे के अब हम बॉल्स बनाएंगे और रोटी की तरह पतला पतला बेल लेंगे। तवा गर्म हो गया है, उस पर लगाएंगे हम घी और मेथी के पराठों को दोनों साइड से पूरी तरह सेक लेंगे। मैं मीडियम हाई फ्लेम रख रही हूँ। ये हमारा मेथी का पराठा रेडी हो गया है। मेथी के पराठों को हम गर्म गर्म सर्व करेंगे दही की चटनी, अचार और हरी चटनी के साथ। मेथी पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बंच मेथी के पत्ते, हाफ कप गेहूं का आटा, 1/4 कप मैदा, 1/3 कप बेसन, 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून तेल, 2 टीस्पून तिल, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक चाहिए होगा स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन। आप हमारे चैनल